हेलो भाइयों, जय श्री राम। तो भाई आज अपने पास आ चुकी है MG एस्टर, और इस गाड़ी के लेते हैं भाई आज टेस्ट ड्राइव, क्योंकि गाड़ी बड़ी प्रीमियम है भाई। अंदर से इस सेगमेंट में इससे प्रीमियम गाड़ी कोई नहीं है अभी तक, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये है भाई ओवरऑल लुक गाड़ी की, बड़ी प्यारी लगती है यार। लाइट्स वगैरह यू कैन सी टॉप नॉच। ये वॉइस कमांड के लोग शायद से ऑन करके देखिए आप। क्लच बड़ा हार्ड है यार, क्लच तो बहुत हार्ड है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है। ये TPMS सिस्टम, और इसमें वो क्या बोलते हैं पावर, इंजन कौन सा है, कितने सीसी का? ये 1500। 1500 पेट्रोल में, नेचुरल एस्पिरेटेड वाला शायद। सिस्टम पीछे दे स्पेस, तीन चारों हेडरेस्ट हो गया। अच्छा, एक ही भी सही चीज लगी इसकी। तो वॉइस कमांड से भी खोल सकते हैं। अच्छा, हेलो MG, हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, ओपन सनरूफ। सॉरी, ये सिस्टम भी है यार, कुछ भी करना हो बस इसको कमांड देना। सनरूफ बहुत बड़ी, 90% एरिया कवर करती है सनरूफ। अच्छा, मतलब सनरूफ मूनरूफ टोटल देखो अपन, ऊपर का 90% एरिया कवर कर सकता है। नहीं 50 तो होगा ना ये पीछे, नहीं ये वो नहीं खुलती है, ये वो नहीं खुलती, मूनरूफ है ये सब, वो मून है ना। हाँ, और यहीं से क्लोज हो जाएगी। हाँ, हेलो एस्टर, यस, क्लोज सनरूफ। सही चीज रही है, वायरलेस हो गया। हेलो एस्टर, I am listening. Open driver side window. अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज है यार। बस इसको बोलना है, ये सब ये सारी गाड़ी ऑपरेट करेगी अपने आप। हेलो एस्टर, ऑफ ड्राइवर साइड विंडो। फैन स्पीड इज ऑलरेडी एज हाई एज इट गेट्स। बोलना। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, क्लोज ड्राइवर साइड विंडो। और इसमें एक चीज मैंने देखी थी, जैसे फोटो वगैरह में जो सीट्स हैं वो रेड आती है, वो कौन सा वेरिएंट है? वो आपका शंघाई रेड में आती है वो। अच्छा, इससे नीचे का है वो? नहीं, वो इसमें भी देखनी पड़ेगी। नहीं, वो आपको CVT में मिलता है। अच्छा, ऑटोमेटिक वाले में, ऑटोमेटिक के टॉप मॉडल में। ठीक है, ये चार्जिंग स्लॉट हो गया, सही है। 5 पीछे भी है चार्जिंग के लिए। अच्छा, ज़ूम बनाना यार, एक वीडियो। इसमें जो है इसकी 1500 cc का इंजन है। VTI कितनी निकालते हैं? क्लच यार थोड़ी ऐसी हो रही है ना, काफी लोग नहीं। अच्छा, डेमो वाली है, डेमो वाली फिर तो बहुत तगड़ा भाई। वाह, इसकी जो ग्लोबल एंड गैप में आई रेटिंग कितनी आई इस गाड़ी की? 5-star रेटिंग है। 5-star? हाँ, फील हो रही। अभी मैंने टाटा पंच भी चलाई थी, वैसे सही आ रहा एक्सपीरियंस। MG की कार में आपको प्रीमियमनेस मिलती है। और
रखा हुआ कुर्सी, जो इसका मान लो जैसे हमारा बजट तो अभी कम ही है, 20 मॉडल तक ही होगा है। 20 मॉडल इसका कितने का ऑन रोड पड़ेगा? इसका आपको बेस मॉडल पड़ेगा 12,84,000 का। मतलब ये मान लो कि ऑलमोस्ट डेली, अगर आप 5 तारीख से पहले, ये अभी तो 5 तक एक ऑफर चल रहा है, 25,000 का ऑफ मिल जाएगा इसमें। आपकी थोड़ी एक तो नया हैवी इंडिया में थोड़ा मार्केट लगाने में सेटअप बंद लग टाइम लगता है, नहीं तो वरना अच्छी सेल हो रही है तो हमारी हेक्टर की देखें आप। क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे बेस में? आपको ये भी नहीं मिलेगा, हाँ, और सनरूफ नहीं मिलेगी, अलॉय नहीं मिलेगा, तो चलो बस नॉर्मल जो है बात है वो सब मिल जाएगा। टच स्क्रीन आ जाएगा उसमें? ये इन्फोटेन, हाँ ये तो मिल जाएगा। बाकी इंजन आपका ये सब सेम रहेगा आपका, बस जो फीचर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये वाला इसका टॉप वेरिएंट होगा शायद? हाँ ये टॉप है। ये कितना पड़ेगा था ऑन रोड? हाँ अरे ये चीज तो है, ये वाला लीवर किस चीज का? क्रूज लग रहा मुझे शायद। स्टीयरिंग बड़ा मक्खन लग रहा है। मेमोरी सीट्स हैं इसमें? नहीं, इस इवेंट्स का डिजाइन नहीं हो गया। स्टाइल में आपका डिफरेंस तो कुछ नहीं है, तो आपका स्पीकर और ट्यूटर कम चार होंगे इसमें, इसमें छः हैं टोटल। इसमें छः हैं और बेस वेरिएंट में कितने स्पीकर? चार स्पीकर। उसमें आपका ये वॉइस कमांड नहीं आएगा फिर? अच्छा अच्छा, क्योंकि आई स्मार्ट नहीं है उसमें। डे एंड नाइट हो गया ठीक है। और उसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें कुछ स्टार्ट नहीं आएगा शायद? नहीं नहीं, उस ये तो है सब में कुछ स्टार्ट है। हाँ मतलब ये मान लो कि बेस वेरिएंट चल रहा है, उसमें आपको अलॉय नहीं मिलेंगे। अलॉय मिलेंगे 16 इंच के हैं उसके टायर, इसके 17 है, इसके और 17 उसके 16। अच्छा, और इसका रिवर्स ऐसे कर गया ना नीचे को दबा के, ये काफी सही नई सी चीज लगी। 360 कैमरा है इसमें, ये कैसे ब्लर से दिखा रहा है? गंदा है ये कैमरा? गंदा हो रहा है। अच्छा पूरा दिखा रहा है।
अच्छी थी। ये 3D 2D भी ये लाइट भी ऑन हो रही, वो भी दिखा रहा है। थोड़ी क्लैरिटी और सही से रहते हो। रेडार भी आता है इसमें, रेडार का क्या मतलब है? रेडार जैसे आपका ये क्रूज कंट्रोल जब होता है ना, तो रेडार सेंस करता है। सेंस करता है। ऑटोमेटिक ब्रेक अप मान लेगा, मान लो भी अगर मैं चला कर लेता। पर यही चीज है जैसे थोड़ा हार्ड सा है, शायद इसी के साथ हो वाली चीज। और इसमें जियो सेवन ये सब इनबिल्ट है। जियो सेवन आपका एंड्रॉइड कार प्ले, एप्पल कार प्ले सब इनबिल्ट है। यहाँ पे हो गया ठीक है। मतलब लाइफ टाइम चलेगा ना जैसे जियो सावन वगैरह, या बाद में इन रूट्स वो है नहीं, सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको उसका। अच्छा ये हिस्टिंग है, प्यूरीफायर आता है। Yes. Hello Esther, play music. Sorry, this instruction is not supported in Revo NS mein Jio 7 ka. Hello Esther, play radio. इसमें शायद से 220 NM टॉर्क है। 220 तो भाई ये इसका डोर पैनल काफी ज्यादा प्रीमियम सॉफ्ट टच के साथ में। गाड़ी बड़ी प्रीमियम है यार अंदर से, यू कैन सी कंफर्ट वाइज। लेग स्पेस, लेग स्पेस बहुत तगड़ा, रिक्लाइन एंगल इज आल्सो गुड, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट। आर्मरेस्ट इस तरह से मिल जाएगा और मून रूफ तो भाई बहुत तगड़ी। इस इवेंट ठीक है, डिग्गी और चेक करवा दो एक बार।
500 यहाँ से। अरे इसमें तो सामान, चलो कोई नहीं, वरना वैसे काफी है। ये अलॉय व्हील्स हैं भाई इसकी, डिस्क ब्रेक पीछे भी है और आगे भी है। डिस्क ब्रेक पीछे भी है सर? हाँ पीछे भी। चालू में है डिस्क ब्रेक। ठीक, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। DRL से यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है गाड़ी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम भाइयों।